So let me start a new topic on electrostatic. Last class I have discussed conductor has ability to store charge. But in order to store charge of the capacity of 1 microfarad, we need a conductor of the radius 9 km, which is nearly impossible to fit such a big conductor in our radio or TV set. So what is the arrangement to increase the capacity in a small region? Last class I have told you that arrangement is called condenser. So, or it is also called capacitor. So today I will discuss what is capacitor, what is the principle of capacitor, what is the symbol, type, purpose and uses of capacitor. So capacitor is the arrangement of 2 conductors separated by some non-conducting medium. That may be vacuum, air or some paper or some dielectric. So 2 conducting plates are required. One is positively charged and another one is earth connected, and they are separated by some non-conducting medium. This is called capacitor. What is the symbol? This is the symbol of capacitor of fixed capacity, and this is also the symbol of capacitor of variable capacity. There are many types of condenser or capacitor. First one is parallel plate capacitor, spherical capacitor, second one is, third one is cylindrical capacitor. So today we'll discuss parallel plate capacitor. What is the purpose of capacitor? The purpose is to increase greater capacity in a smaller region. छोटा सा छोटा जगह हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे थे अगर कंडक्टर में अगर चार्ज को हम लोग स्टोर करना चाह रहे तो हम लोग के लिए बहुत बहुत बड़ा जगह चाहिए. जैसे 1 microfarad कैपेसिटी के लिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, हम लोगों को एक स्फेरिकल कंडक्टर हम लोग को चाहिए जिसका रेडियस होगा 9 किलोमीटर, और 1 microfarad ये तो टीवी सेट या ये हम लोगों का मोटर वगैरह या फैन वगैरह में तो हम लोग को चाहिए. तो इतना बड़ा कंडक्टर कहाँ फिट करेंगे, तो फैन घूमेगा कैसे. इसीलिए हम लोगों को छोटा जगह चाहिए ताकि छोटा अरेंजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कम स्टोर कर पाए. उसी छोटा अरेंजमेंट का नाम है कंडेंसर. यही इसका पर्पज है. कहाँ यूज़ करते हैं? फैन में, टीवी, रेडियो, मोटर्स, ये सब में हम यूज़ करते हैं. तो अभी हम लोग बात करते हैं, मेन टॉपिक हुआ है पैरेलल प्लेट कंडेंसर या तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब आता है. तो व्हाट इज पैरेलल प्लेट, नाम से पता चल रहा 2 प्लेट हो गए इसमें. ये तो लाइन दिख रहा है लेकिन ये 2 प्लेट होगा और दोनों प्लेट पैरेलल ही होगा, सेम साइज का होगा, सेम एरिया का होगा और दोनों के बीच में कुछ ना, ये जैसे 2 प्लेट हम लोग लिए, ए और बी 2 प्लेट लिए, दोनों का कुछ ना कुछ एरिया है. तो यहाँ पर ए बी नाम नहीं दे करके हम लोग नाम दे सकते हैं, आर नाम दे सकते हैं, एस नाम दे सकते हैं, क्योंकि ए ऑलरेडी हम लोग एरिया, ये मैंने एरिया हम लोग ले लिया, इसलिए इसका नाम दे रहे 2 प्लेट. 2 प्लेट का नाम, एक का नाम दिए आर, एक का नाम दिया हम लोग एस. तो कैपेसिटर में हम लोग का 2 प्लेट होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन, यहाँ पर सेपरेशन का नाम हम लोग डी दिए. तो 2 प्लेट होने से कैसे इसका छोटा सा जगह में ज़्यादा से ज़्यादा इसका कैपेसिटी हो जाए. 1 प्लेट के जगह में 2 प्लेट, ये तो दोनों तो कंडक्टर ही है, लेकिन 2 प्लेट क्या होना चाहिए, दोनों में इक्वल और अपोजिट चार्जेस होना चाहिए. माने एक पॉजिटिवली चार्ज अगर होगा तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, या तो बोलेंगे एक अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो दूसरा अर्थ कनेक्टेड हमारा होना चाहिए. तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे 1 प्लेट के जगह में 2 प्लेट लेने से क्या होगा. तो देखते हैं, 1 प्लेट में पहले से कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, हम इसमें और कुछ चार्ज एड करना चाह रहे हैं. पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, तो जैसे ही हम लोग चार्ज एड करेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, और हम लोग जानते हैं C=Q/V. तो पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटी घट जाएगा, लेकिन चार्ज को तो हम लोग को बढ़ाना है. तो चार्ज को अगर हम लोग, जैसे चार्ज अगर बढ़ेगा तो दिक्कत है, पोटेंशियल भी हमारा बढ़ेगा, और पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो C=Q/V, कैपेसिटी हमारा घट जाएगा क्योंकि V नीचे में. तो अगर हम लोग फिर से अगर चार्ज एड करना चाहेंगे तो जितना चार्ज एड होगा उसका पोटेंशियल भी उतना बढ़ेगा. लेकिन 1 प्लेट के जगह में अगर हम लोग 2 प्लेट का यूज अगर करते हैं, एक को पॉजिटिव रखते हैं और एक को नेगेटिव रखते हैं, तो क्या होगा,
अब अगर फर्दर चार्ज अगर हम लाना चाहेंगे, ये सब चार्ज हम लाना चाह रहे हैं, फर्दर चार्ज लाना चाह रहे हैं, तो चार्ज आने के दौरान ये प्लेट इस चार्ज को रिपल कर, इस प्लेट के चलते इसका रिपल्शन हो रहा है, ज़्यादा रिपल्शन होने ज़्यादा पोटेंशियल। पहले जब एक ही प्लेट था तो रिपल्शन हो रहा था, ज़्यादा चार्ज आ रहा था तो ज़्यादा रिपल्शन का मतलब ज़्यादा पोटेंशियल। लेकिन अब एक प्लेट के जगह में दो प्लेट अगर डाल दें तो ये प्लेट इस चार्ज को रिपल करेगा, लेकिन और एक नेगेटिव प्लेट भी है, नेगेटिव प्लेट क्या करेगा ना, चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो एक रिपल कर रहा दूसरा अट्रैक्ट कर रहा। अब हम लोग देखेंगे जो ये जो रिपल्शन जो हो रहा है और अट्रैक्शन जो हो रहा है क्या हो रहा है। पहले का केस में जितना रिपल्शन था, अब एक प्लेट की जगह में और एक प्लेट अगर हम डाल देंगे तो रिपल्शन तो घट जाएगा, मैंने अट्रैक्शन तो बढ़ेगा मैंने रिपल्शन तो घटेगा। रिपल्शन अगर घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा, और हम लोग जानते हैं सी इक्वल टू क्यू बाई वी, पोटेंशियल अगर घट जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में पोटेंशियल अगर घट जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, सेम चार्ज के लिए भी क्या होगा, पोटेंशियल अगर घटेगा तो सेम चार्ज के लिए भी क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ेगा। तो दो प्लेट का अरेंजमेंट करने से हम लोगों को लाभ क्या देना, लाभ दिया पोटेंशियल घट गया, और पोटेंशियल अगर घट जाएगा तो कैपेसिटी हम लोगों का बढ़ जाएगा, ये है कैपेसिटर का प्रिंसिपल। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, दो प्लेट पहले हम लोगों को लेना पड़ेगा, एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे और दूसरा प्लेट हमारा न्यूट्रल। लेकिन आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टार्टिंग में ही आप लोग पढ़े हो, जब ये भी एक चालक है कंडक्टर है, जब न्यूट्रल कंडक्टर को एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के सामने में हम लोग लाते हैं तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज आर बीइंग इंड्यूस्ड एट टू एंड ऑफ दिस कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आप लोग पढ़े हो चार्ज को डेवलप करने का बहुत सारा तरीका, फ्रिक्शन है, इंडक्शन है, चार्ज बाय इलेक्ट्रिफिकेशन, बहुत सारा तरीका है। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल कंडक्टर को जब एक चार्ज कंडक्टर के सामने हम ले जाते हैं तो इस न्यूट्रल कंडक्टर का ये वाला किनारा में, चूंकि इसमें ये एक न्यूट्रल है माने जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, लेकिन है तो ये चालक कंडक्टर। और आप लोगों को पता है पिछले क्लास में हम बताए होंगे जो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके चलते अट्रैक्ट होकर के इस किनारे में आ जाएगा, तो इधर से अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो पॉजिटिव कोर इधर बच जाएंगे, माने इसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो पहला स्टेप में हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को ले रहे और एक को हम लोग न्यूट्रल कंडक्टर को ले रहे, अर्थ के साथ कनेक्ट अभी भी नहीं किए। दूसरा, थोड़ा देरी के बाद ये अपोजिट चार्जेज इंड्यूस्ड हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अभी भी हम लोग कनेक्ट नहीं किए। थर्ड स्टेप में हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो जैसे ही हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे तो अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और इसका पॉजिटिव जो पार्ट था इसको न्यूट्रल कर देगा, तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, और ये तो हमारा था ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, तो ये हमारा बन जाएगा अभी कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को बनाने के लिए इसका दो प्लेट है, इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना पड़ता है, इस प्लेट को अर्थ के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना पड़ता है। तो ये है इसका प्रिंसिपल, दो प्लेट अगर रहेगा तो दोनों प्लेट में क्या होगा ना, दोनों प्लेट के चलते रिपल्शन हम लोग का घटेगा, एक प्लेट था तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन हो रहा था, दो प्लेट अगर आ गया एक रिपल्शन होगा एक अट्रैक्शन होगा, पोटेंशियल हमारा घट जाएगा, पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटी हमारा बढ़ जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मींस अगर पैरेलल प्लेट है उसका कैपेसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दैट वी वांट टू डिराइव। आप लोग जानते हो पहले भी पढ़े हो बहुत सारा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग इसके पहले बहुत सारा पढ़े हो, जैसे ई इक्वल टू एफ बाई क्यू फोर्स बाई चार्ज, ई इक्वल टू आप लोग पढ़े हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इसी तरह आप लोग पढ़े हो ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन टू, ये पिछले क्लास में भी मैंने जब वो जो बाउंड चार्ज ये सब मैं आप लोगों को बता रहा था, डायलेक्ट्रिक जब बता रहा था, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बता रहा था, उस समय में मेरा पिछला वीडियो में आप लोग देखे हो जो ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन टू, ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे। और एक फॉर्मूला है ई इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन यहाँ पर हम नहीं लिए क्योंकि हम खाली मैग्नीट्यूड को लिए, होता है ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डीवी बाई डी आर को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मान लीजिए ये जो प्लेट के बीच का पोटेंशियल है हम लोगों का वी, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, तो इसी फॉर्मूला नेगेटिव साइन, चूंकि
डायरेक्शन को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ले लिया हम लोग खाली मैग्नीट्यूड को लिए। तो दोनों प्लेट का बीच का पोटेंशियल V है और दोनों प्लेट का बीच का दूरी है डी, तो E नॉट इक्वल टू वी बाई डी वी हो, तो E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E नॉट इक्वल टू वी बाई डी। एल एच एस अगर बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से वी इक्वल टू क्या होगा, ये डी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग जानते हैं सिग्मा का मतलब, मैं पिछले क्लास में बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी होता, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता चार्ज बाय एरिया, डी बाय एप्सिलॉन नॉट तो था ही, तो ये हमारा निकल गया पोटेंशियल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल इतना, तो कैपेसिटी कितना होगा, हम नॉट नॉट डालें इसीलिए डालें क्योंकि इसके दोनों के बीच में, प्लेट के बीच में वैक्यूम है या तो हवा है, इसलिए ई नॉट डालें। इसके बीच में अगर कुछ हम लोग डाल देते हैं, कुछ मीडियम अगर हम लोग डालेंगे, तब उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम कुछ अलग देंगे बोल के अभी ई नॉट डालें। और सी नॉट का मतलब कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी जब इसके बीच में वैक्यूम होगा या तो हवा होगा, तब का कैपेसिटी हम निकालना चाहते हैं, तो इसीलिए नाम दिया सी नॉट। तो सी नॉट इक्वल टू फॉर्मूला सी इक्वल टू क्यू बाई वी, तो वी के जगह में ये वाला पार्ट आप लोग डाल दो तो क्यू क्यू कट गया, ये ऊपर आ जाएगा, तो सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट तो है कॉन्स्टेंट, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी किस चीज पर डिपेंड करेगा ना, पहला वो डिपेंड कर रहा है सी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट। प्लेट जितना बड़ा एरिया का होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटी होगा, एंड कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लेकिन प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी कम होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटी दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक उसके एरिया पर और दूसरा दो प्लेट के डिस्टेंस के बीच पर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी को अगर और हमको बढ़ाना है तो और भी हम क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कंडक्टर, एक कंडक्टर अगर रहेगा तो उसका कैपेसिटी बहुत ही कम है, तो दो कंडक्टर अगर हम लोग लेंगे पॉजिटिव एक नेगेटिव जिसका नाम है कैपेसिटर, तब उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोग देखें, लेकिन कैपेसिटी को और अगर बढ़ाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर इसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक अगर डाल देंगे तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगा कि कैपेसिटी घटेगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट।